Hello friends, I am Dr. Puneet Khanna. I am Head of Respiratory Medicine at Manipal Hospital, Dwarka. Today we are going to talk about interstitial lung disease or lung fibrosis. Interstitial lung disease or lung fibrosis, as the name suggests, is a disease in which the lungs get fibrosed and they lose their capacity to absorb oxygen. इसको हम सरल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि फेफड़े सिकुड़ जाते हैं. सिकुड़ जाने से उनमें ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और पेशेंट या व्यक्ति जिसको ये बीमारी होती है उसको कुछ भी छोटा सा भी काम करने में सांस की दिक्कत होती है. सो मेजर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर ड्राई कफ, सूखी खांसी होना, सांस फूलना, रात को नींद के वक्त चक्कर आना, नींद डिस्टर्ब होना और परसिस्टेंटली वीकनेस की फीलिंग होना. At Manipal Hospital, we cater to these patients by a protocol in जिसके अंदर हम ILD के patients को screen करते हैं, उनको हम test करते हैं, हम कारणों का पता करते हैं कि किस कारण से interstitial lung disease हो सकता है, फिर हम उसका समाधान देते हैं. आजकल की society में जो interstitial lung disease है उसका सबसे major कारण pollution है. इसके अलावा allergies, खासकर pigeon से allergy या pet से allergy या कुछ ऐसे खाना या कुछ धुआं का एक्सपोजर, ये सारी बीमारियां इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कर सकती हैं. इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को मैनेज करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि लंग फंक्शन टेस्ट, अपना ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का टेस्ट जिसको स्पायरोमेट्री या PFT भी कहते हैं, एंड देन देर आर सर्टेन टेस्ट जिसको हम लंग बायोप्सी कहते हैं, विच कैन कंक्लूसिवली टेल अस अबाउट इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, एंड देन वी पुट आवर पेशेंट्स ऑन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. We will be happy to answer any question on interstitial lung disease as and when the patient approaches us. Thank you.